साथियों, देश जब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हमारी सरकार वंचितों को वरीयता यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है। सरकार जिन आकांक्षी ब्लॉक को विकसित करने का अभियान चला रही है उसमें ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। इस साल के बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजट भी 2014 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तक पहुंच रही है। ये आदि और आधुनिकता के संगम की वो आहट है जिस पर नए भारत की बुलंद इमारत खड़ी होगी। साथियों, बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साक्षी रही है कि देश कैसे समानता और समरसता को प्राथमिकता दे रहा है। आजादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार देश का नेतृत्व एक आदिवासी के हाथ में है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी के रूप में सर्वोच्च पद पर भारत का गौरव बढ़ा रही है। पहली बार आज देश में आदिवासी इतिहास को इतनी पहचान मिल रही है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन दशकों तक इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर, वीर वीरांगनाओं के उन बलिदानों पर पर्दा डालने के प्रयास होते हैं। अब अमृत महोत्सव में देश ने अतीत के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बीड़ा उठाया है। पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। पहली बार अलग अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम खोले जा रहे हैं। पिछले साल ही मुझे झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम के लोकार्पण का अवसर मिला था। ये देश में पहली बार हो रहा है, लेकिन इसकी छाप आने वाली कई पीढ़ियों में दिखाई देगी। ये प्रेरणा देश को कई सदियों तक दिशा देगी। साथियों, हमें हमारे अतीत को सहेजना है, वर्तमान में कर्तव्य भावना को शिखर पर ले जाना है और भविष्य के सपनों को साकार करके ही रहना है।